सोमवार को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सामूहिक रूप से रैली भी निकाली। बाल महोत्सव समिति द्वारा 42वां बाल महोत्सव भी मनाया जा रहा है। 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विशाल रैली भी निकाली गई, जो कैंटोनमेंट गर्ल्स स्कूल से प्रारंभ होकर ड्रीमलैंड चौराहे पर बाल सभा में परिवर्तित हुई। यहां अतिथियों द्वारा चाचा नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कबूतर शांति के प्रतीक छोड़े गए। बाल महोत्सव समिति द्वारा निकाली गई रैली में छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी शामिल हुए। इसके साथ ही रैली में कई स्कूल के बैंड अपनी प्रदर्शनी देते हुए चल रहे थे, तो शहर में आकर्षण का केंद्र नजर आए। अब यह आयोजन 25 नवंबर तक पुरस्कार वितरण के बाद समाप्त होगा। इन आयोजन में कुल 15 प्रतियोगिताएं बाल मेला विशेष रूप से रखा गया है। इनमें शहर और आसपास के शासकीय एवं अशासकीय 40 से ज्यादा विद्यालयों के विद्यार्थी भाग लेंगे। कार्यक्रम संयोजक कमलेश मिश्रा द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय एकता, बेटी बचाओ एवं पर्यावरण संरक्षक, विकासशील भारत के नारों की बैनरों और बोर्ड के साथ रैली निकाली गई। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में छावनी परिषद CEO राजेंद्र जगताप, अंतर सिंह दरबार आदि मौजूद थे। 1981 से प्रारंभ हुआ है और ये 42वां वर्ष है इसका। कितने स्कूली बच्चे शामिल होते हैं इसमें? करीबन 25 से 30 स्कूलों के बच्चे बाल रैली में शामिल होते हैं। और यूं सारे आयोजनों में, क्योंकि इसमें 15 दिवसीय प्रतियोगिताएं चलती है विभिन्न स्कूलों के अंदर, और उसके अंदर मिला के कम से कम 15 से 18 हज़ार बच्चा भागीदारी करता है। अब कल से परसों 16 से आज अभी 11 बजे चित्रकला प्रतियोगिता उच्च स्तर की जैन पब्लिक स्कूल में है। 16 तारीख को चित्रकला खुली माध्यमिक और प्राइमरी स्कूल की छावनी उद्यान में है। 17 को बच्चों का बाल मेला छावनी उद्यान में है, और इसी तरह से 18 को एकल नृत्य, 19 को समूह गान, इस तरह के कार्यक्रम आगे 25 तक चलते रहेंगे।